आज हमारा छोटा भीम कालिया से मिलने जा रहा होता है और यहाँ पे चुटकी दूसरे साइड से कुछ ढूंढते हुए जा रही होती है। तभी हमारा छोटा भीम और चुटकी एक दूसरे से टकरा कर गिर जाते हैं। फिर चुटकी भीम को कुछ कहे बगैर दूसरी साइड चली जाती है। भीम सोचता है शायद चुटकी मुझसे गुस्सा हुई है, इसलिए उसे मनाने के लिए भीम एक बॉल दे देता है। चुटकी उस बॉल को फेंक देती है और लकड़ी लेके जमीन पर पप्पी की ड्रॉइंग निकालती है और भीम को कहती है कि ये पेट चाहिए मुझे। और भीम जल्दी से जाके एक गाय के बछड़े को उठा लाता है। फिर चुटकी कहती है मुझे बछड़ा नहीं बल्कि मेरा पप्पी चाहिए था। तभी चुटकी को अपने पप्पी के पैरों के निशान दिख जाते हैं। चुटकी उन निशानों के पीछे पीछे जाती है और भीम भी चुटकी के साथ आ रहा होता है। तभी भीम को एक फटा हुआ कपड़ा मिलता है। फिर भीम सोचता है और कहता है ये तो मेरी माँ का कपड़ा है। तभी तेजी से भीम चेक करने के लिए घर जाता है। वहाँ पर चुटकी का पप्पी होता है जो अपने भीम के माँ के कपड़े फाड़ रहा होता है। फिर चुटकी की मदद करने की बजाय हमारा भीम अपने माँ के कपड़े बचा लेता है और पप्पी को भी चुटकी को दे देता है। चुटकी भी खुश हो जाती है। भीम की तरह अगर आप भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट आई लव यू मॉम लिख देना। इससे मैं समझ जाऊंगा कि आप भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। माँ के लिए इतना तो कर ही सकते हो, अपनी माँ के लिए कर देना यार।